धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, कुछ करने की कोशिश की और आपके सामने ये इंग्लिश की टाइटा कुछ मूवी बना डाला। बाकी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का प्रेम से और हिंदुस्तान वासियों जितने भी लोग हैं, सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसको देखें, पूरे परिवार के साथ देखें और एंजॉय करें। जय शंकर की। बोलो। पहला था हिंदुस्तान वासियों से निवेदन था, सभी आदमी इन्हें देखें, अच्छी मूवी है। अब आदेश करो। जय शंकर की। इंग्लिश की टाइट आई फेस। जैसा कि आप सभी देखते हो आजकल मोबाइल में अपन मैसेज वगैरह लिखते हैं तो कहाँ हो, उसकी स्पेलिंग गलत है, माइनिंग गलत है, समझ में नहीं आता। तो हमने भी किया है कि गांव से एक देहाती लड़का था, उसको चुना और डायरेक्टर साहब है हमारे शैलेंद्र जी, उनसे बातचीत करी और हमारे संजीत जी है मित्र, तो इन्होंने कहा कि यार इंग्लिश की टाइट आई फेस टाइटल रखते हैं और एक मूवी बनाते हैं। शैलेंद्र जी के पास आया, मूवी तैयार की, इन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करी और फिर काम शुरू किया। वैसे परेशानियाँ बहुत आई लेकिन आज मतलब हमने जो एक सपना देखा था अब लग रहा है कि वो साकार हो रहा है, क्योंकि हमें इतनी परेशानी आई इस शूटिंग के दौरान, हर समय मतलब इतनी परेशानी आई कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार हम इस मंजिल पर पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे, हो सकता है हम सक्सेस हो या ना हो, इतने मतलब हम परेशान हो जाते थे किसी भी चीज़ को लेकर, इतनी समस्याएं। लेकिन फाइनली भगवान महादेव ने हमारी लाज रखी ली। ओके सर, थैंक यू। सो माय एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग बिकॉज इट्स माय फर्स्ट मूवी एज अ मेन लीड। बिफोर दैट आई हैव डन ओनली सीरियल ऑन कलर्स मराठी चाहूल एज अ लीड एज वेल, बट इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट वन। हियर इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, इट्स अ बिग पीपल हु आर वर्किंग विद मी व्हिच यू एग्जैक्टली मेंशन, एंड इट वाज ग्रेट टू सी सच एक्सपीरियंस एंड टू सी पीपल हु वर्क इन दिस इंडस्ट्री फॉर एजेस, एंड ऑल ऑफ देम वर हेल्पिंग मी विद द स्क्रिप्ट, विद द mimics, with emotions, everything. So I got complete experience and I'm ready for any project right now because it was really great. What is the role? I'm playing the main lead. Her name is Emily. She came from England with her brother and we are trying to make like a social program, social work about the rubbish, which is like a lot in India. So we want to help villages to make them clean. And so we came there to make this documentary project and I fell in love with the Rohit. In there, yes. So the concept generally about that and about how people are getting close to each other when there is something, or dangerous or some problem is coming up on your way. All people become like one family, standing beside each other, shoulder to shoulder. So it's exactly the family movie, which is showing you what is the family, what is the meaning of this word. मैंने ये इस फिल्म में काम बहुत ही ईमानदारी से किया है। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, उनके बिना तो हमारा करेक्टर तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने जिस तरह से हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, हमने उसको करके दिखाया और बहुत ही बेहतरीन अनुभव उनके साथ काम करके मिला हमें। मेरा इस फिल्म में किरदार शिवम का है, मनोज जोशी के बेटे का किरदार निभा रहा हूँ मैं, जो उनके सपने को साकार करने के लिए फॉरेन से अपने दोस्त हैरी और एमली को इंडिया बुलाता है। और क्या क्या प्लान करते हैं इसको देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लॉन्च हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी इस फिल्म का एक छोटा सा पार्ट हूँ एज एन एक्टर, और मुझे पूरे टीम के साथ काम करके बहुत बड़ा मज़ा आया सर, बहुत आनंद आया, बहुत सीखने मिला, क्योंकि इसमें हमारे लाडले राजपाल यादव साहब हैं, हमारे लाडले गोविंद नामदेव जी हैं, हमारे लाडले मनोज जोशी जी है, हमारे और कौन है, कमाल खान है और मुश्ताक खान साहब है, मतलब इंडस्ट्री के तमाम विजू खोटे जी है, कुल मिलाकर इसमें जो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट कॉमेडी और ज़बरदस्त कलाकार सब शामिल हैं। और इसके ऊपर एक चीज़ और अच्छी हुई तड़का कि डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत ने गांव के उन मुद्दों को इसमें उजागर किया है जो आज वर्तमान की ज़रूरत है,
जिसमें गांव के लिए आज सरकार का भी नारा है और हम सब का भी नारा है कि गांव जो है वो आदर्श गांव बनना चाहिए। तो मैं आदर्श नगर में रहता हूं और मैं चाहता हूं कि गांव भी आदर्श नगर बने। इसमें मैं एक संचालक की भूमिका कर रहा हूं, जहां दो पार्टियों के बीच में मैं उनका ये फिल्म बनाए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और निश्चित तौर पर फिल्म के डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत तो ये हम जो अभियान के लिए जो फिल्म में दर्शाया गया है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम लोगों को भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। और मेरे भारत में जो खड़े हैं जमील साहब, बहुत ही प्यारे राइटर हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने गाने लिखे हैं। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी ना काफ़ी फिल्मों में इनके गाने चल रहे हैं। आदर्श ग्राम है, मुझे किसी ने स्वच्छ भारत कहा तो मैंने स्वच्छ भारत और आदर्श ग्राम एक ही बात है भैया, भारत में ही आता है। अच्छा ठीक है भाई, स्वच्छ ग्राम और स्वच्छ भारत एक ही बात है और हमें सबको स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ ग्राम रखना चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको अदब बताओ। और जो ये डायरेक्टर है शैलेंद्र सिंह राजपूत साहब, इन्होंने जो फिल्म बनाई थी सत्य पे सत्ता एक बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी फिल्म थी जो इन्होंने पिछले साल रिलीज़ की थी, वो इन्होंने लिखी थी, उसमें मैंने मुख्य अभिनय किया था। इस फिल्म में मैं एक कॉमेडी कर रहा हूँ, कॉमेडी का तड़का राजपाल यादव साहब के साथ। राजपाल यादव एक बहुत ही अद्भुत अभिनेता हैं और ऐसे ऐसे बड़े अभिनेताओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। राजपाल यादव जी के साथ मेरी ये 5वीं फिल्म है। इंशाल्लाह वन बाय वन आपको सारी पिक्चरें मेरी देखने को मिलेंगी। तो मैं सारी टीम का, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से फिल्में आती रहें और सिनेमा के क्षेत्र में मैं काम करता रहूँ। आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। बड़े बड़े कलाकार हो गए तो फिर क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश की टाई फिश, एक्चुअली इंग्लिश की टाई फिश होना चाहिए, बहुत हो गई इंग्लिश, फैक्ट है। तो ये जो शैलेंद्र हैं, ये जो इसके डायरेक्टर हैं, इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। इसकी एक और मैंने फिल्म की थी बहुत पहले, मलकापुर में, महाराष्ट्र में ही किया था मैंने। तब से ये जब भी कोई फिल्म बनाते तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं। इसमें भी मैंने एक छोटा सा किरदार किया है, हीरोइन के फादर का रोल मैंने किया हुआ है। थोड़ा सा सेट सीरियस भी है, थोड़ा कॉमेडी है, इमोशनल रोल है और उसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी है, हल्की सी कॉमेडी, बट नेचुरल कॉमेडी है वो। तो किस तरह से एक मतलब इंग्लिश मैन आता है और इंडियन गर्ल से उसको मोहब्बत हो जाती है और माँ बाप को, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी बेटी अब जो है हिंदुस्तान से चली जाएगी और वापस नहीं आएगी, लेकिन हिंदुस्तान का कल्चर उस अंग्रेज़ को कैसे अपने आप में चेंज करता है और वापस वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं इंडिया में ही रहूँगा। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म। आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली मैं 2 दिन से सो नहीं पाया हूँ इस चक्कर में, और देख रहे हो गए ये मैं इसीलिए लाए जानबूझ के, देखिए डार्क सर्कल हो गए। खुशी है, एक्साइटमेंट है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मेरी फिल्म मतलब फर्स्ट लुक लॉन्च हो रहा था और 7 दिसंबर ये रिलीज डेट भी हमारा घोषित हो चुका है। तो बहुत खुशी थी। और रही बात इंग्लिश की टाइटल फिश, इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, इन शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को कि गांव का एक किरदार है शिवम नाम का और उसको पता है कि उसके पिताजी का सपना है आदर्श ग्राम बनाने का। तो विदेश से पढ़ाई करके वो अपना गांव सुधारने के लिए गांव में आता है और मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है फॉरेन से। फिर सब मिलकर ऐसा प्लान करते हैं कि आदर्श ग्राम का पुरस्कार उस गांव को मिल ही जाता है। एक शॉर्ट में कहानी है और कैसे क्या मिलेगा वो सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। ये सेम सवाल आपने मुझे म्यूज़िक रिकॉर्डिंग पे पूछा था, मुझे अभी भी याद है। ये चैलेंज था और नहीं भी था ऐसा भी कहा जाएगा, क्योंकि मुझे क्या रियलिस्टिक मूवी देने का मतलब अच्छी लगती मुझे रियलिस्टिक मूवी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी हर फिल्म रियलिस्टिक हो, अच्छी हो और ज़्यादा तामझाम वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा, इनका स्टोरी है, मैंने देखा, फिर मैंने बोला इसको ऑथेंटिक लुक दूंगा इस फिल्म को।
और ऑथेंटिक लुक के साथ साथ मैं एक अर्बन टच भी दूंगा, तो वैसा मैंने कॉम्बिनेशन करके फिल्म बनाई है। सिंपल फिल्म है, वेरी सिंपल, बस जाके देखो, एंटरटेन करो, काफ़ी चीज़ें मिलेगी आपको इसमें से, और दोबारा भी देखने को आपको मन करेगा। और हमारी टक्कर है केदारनाथ के साथ, ऐसा मैंने सुना है, साथ को आ रही है, स्टार किड है वो सोहा अली खान, तो उनको भी मेरा बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हमारा कोई स्टार किड नहीं है, सब लोग नए हैं, नहीं सपोर्टिंग हमारी अच्छी है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी स्टोरी, ये हमारा हीरो है। थैंक यू। चैलेंज तो था ये, एक प्रोड्यूसर साहब कंसेप्ट लेके आए थे, एक कंसेप्ट मतलब एक टाइटल था, टाइटल लेके आए थे, उनको ये बनानी थी इंग्लिश की टाइटल फिश, तो उनको एक गांव की कहानी चाहिए थी, उसमें उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था, थोड़ा स्वच्छता ग्राम अभियान के तहत थोड़ा उनको कंसेप्ट चाहिए था, रोमांस चाहिए था, एक्शन चाहिए था, तो ये चैलेंज तो थोड़ा बहुत था मेरे सामने। तीन बार सोचा, तीन दिन या मैंने समझा, फिर सोचा, फिर डायरेक्टर सर को दिखाया, उन्होंने थोड़ा फर्स्ट कंसेप्ट रिजेक्ट कर दिया, सेकंड टाइम, जो थर्ड टाइम था उनको काफ़ी पसंद आया, उसमें सब मसाला है, जब ये रिलीज़ होगी तो आपको पता ही चलेगा क्या है क्या है। बस ये फिल्म ये है कि आपको इसमें मैसेज भी मिलेगा और काफ़ी चीज़ें मिलेगी, और फुल एंटरटेन फिल्म में आपका पैसा मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको मैसेज मिलेगा, ये कहानी है, और यूनिवर्सल मैसेज मिलेगा, ऐसा है। अमिताभ बच्चन ने की थी और नमक हलाल में बहुत अच्छे तरीके से की थी इंग्लिश की टाइटल फिश, तो उसका फ़ायदा मिला था। तो ये भी मुझे एक फिल्म जिसमें कॉमेडी के साथ साथ में मैसेज है, अंडरकरंट मैसेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइटल फिश मेरे लिए फिश, चिकन, मटन सब लेकर आएंगे। हाँ जी जी, डेफिनेटली जब देखिए एक ग्राम की बात करें, जब हम एक गांव की बात करते हैं, एक छोटे से गांव की बात करते हैं, तो आज पूरा तंत्र हमारी हुकूमत का, हमारे मिनिस्टर्स का लगा हुआ है कि एक ग्राम को किस तरीके से जोड़ा जाए शहर के साथ में। तो ये फिल्म है जहाँ पे खुद गांव वाले डिसाइड करते हैं कि हमें अच्छा बनना है। जब तक आप खुद नहीं डिसाइड करते अच्छा बनना है, तब तक हम अच्छा बन नहीं सकते। तो ये एक अच्छा टास्क है हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम ऐसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करें जिसके लिए हम भी अपना योगदान सिनेमा को दे सकें। थैंक यू। मायसेल्फ इन द फिल्म, राइट? सी, आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ हैरी, हु इज फ्रेंड ऑफ मेन कैरेक्टर, हिज नेम इज रोहित। ओके, सो बेसिकली वी कम फ्रॉम लंदन, इन द विलेज दैट वेयर रोहित स्टे। सो आई केम विद माय सिस्टर, सो इट इज रियली अ नाइस कॉन्सेप्ट फिल्म। सो मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं एक्चुअली मेरा जन्म स्थान मुजफ्फरपुर है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, और मुझे बचपन से फिल्मों में काम करने का शौक़ था, लेकिन वैसा स्रोत नहीं मिल रहा था, क्या करूँ कहाँ जाऊँ। फिर मैंने, मेरे एक फ्रेंड मुंबई में जो रहते हैं, उन्होंने कहा कि एक फिल्म बन रही है इंग्लिश की टाइटल फिश, उसमें ट्राई करो। तो मैंने उसमें ट्राई किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर सर शैलेंद्र सर को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्रोड्यूसर संजीत ठाकुर को बहुत हेल्प किया, उन्होंने इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेरी पहली फिल्म है, इसमें मेरा जो कैरेक्टर है गोविंद नामदेव जी हैं, उनके बेटे का कैरेक्टर है विक्रम सिंह का, नेगेटिव रोल है मेरा। और बहुत अच्छी फिल्म की कहानी है, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, पूरा गाँव की कहानी है, तो गाँव में बदलाव के लिए पूरा सारा काम होता है, तो मतलब कमाल की कहानी है। मेरी पहली हिंदी फिल्म है जिसमें मैंने ये काम किया है, तो और गोविंद राम जी के साथ काम करके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी पुराने और अच्छे एक्टर्स हैं और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। मतलब हम जो पर्दे पे देखते थे कभी छोटे थे, तो आज उनके साथ वो सब साथ में काम करके और साथ मिलके बात करना सेट में बहुत अच्छे थे, हम लोग यहाँ मिलते थे, बहुत अच्छा लगा। फिल्में बहुत कमाल की, सब्जेक्ट पिक्चर ही बहुत अच्छी है, तो गुड फिल्म, और सारे एक्टर्स हम सारे मिलके बहुत अच्छे थे, हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, काफ़ी रियल शूट किए उन्होंने, और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, कम बजट में बहुत कम टाइम में बेहतरीन फिल्म, बहुत अच्छा काम किया, और ये हमारे
जिनके साथ हमने काम करके ये बहुत कूल जय शंकर इनके साथ काम करके मतलब इतना फ्रेंडली है प्रोड्यूसर नहीं है एक्चुअली दोस्त की तरह है एकदम फ्रेंड है तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद नामदेव जी के खास आदमी है राइट हैंड ओके सर थैंक यू टाइटल पुश के डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म में म्यूजिक करने में बहुत मज़ा आ गया और 5 गाने हैं इस फिल्म में और काफ़ी अच्छी फिल्म है और इन्होंने गाना लिखा हुआ है हेलो सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद बोलना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने मुझे चांस दिया लिखने के लिए और इस फिल्म में 3 सॉन्ग मैंने लिखे हैं टाइटल रोमांटिक और घूमर जो भी कुछ है इनकी वजह से है तो इनको मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी और पूरी टीम को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया लिखने के लिए थैंक यू